तो चलिए अब मैं आपको अपने मोबाइल में अपने गूगल के सेव फोल्डर से फ़ोटोज़ को रिकवर करके दिखा देता हूँ। हालांकि अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे जो है आप अगर एक बार ट्राई करोगे तो आपका डाटा रिकवर नहीं होगा। इसके लिए मैंने डिफरेंट प्रोसेस बताया कि किस तरह से अगर आपका एक बार में नहीं होता तो फिर आप दूसरी बार किस तरह से ट्राई करोगे कि आपका डाटा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपका डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हो आपको रिकवर मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपका डाटा रिकवर ना हो तो प्लीज़ डिसलाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका डाटा किस वजह से रिकवर नहीं हुआ। और अगर आप लोग को फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, हालांकि फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप लोग मैसेज करोगे तो मुझे रिक्वेस्ट में आएगा। ठीक है, तो फॉलो करके मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा जिससे आपका डाटा भी रिकवर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पहले सेव फाइल्स में मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर सेव फोल्डर को ओपन कर दे, हालांकि मैं इसको यूज़ नहीं करता, डेमो के लिए पूरा प्रोसेस करने वाला हूँ। तो चलिए अभी हमारा सेव फोल्डर खाली है। अब लेटेस्ट इमेज में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी इमेज लेटेस्ट है। तो ये वाली फ़ोटो जो है मेरी पर्सनल है इसलिए मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो हनुमान जी की एक लेटेस्ट फ़ोटो है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लेना। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ, और भी कोई फ़ोटो नहीं है। चलिए अब इसको बंद करते हैं, अब अपना कैमरा ओपन करते हैं, लेटेस्ट फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक लाफिंग बुद्धा है, इसकी एक फ़ोटो हम क्लिक करते हैं। ठीक है, देख लो यहाँ पे हमने सेंटर में रख दिया। अब इसकी फ़ोटोज़ हम एक क्लिक करेंगे। देखो एक फ़ोटो हमने क्लिक करी, उसके बाद चले मैं आपको एक दिखा देता हूँ। देखो ये फ़ोटो जो है हमारी लाफिंग बुद्धा वाली हमने क्लिक करी है। अब इसको हम जो है सेव फोल्डर में डालेंगे। ठीक है, तो चले मैं सेव फोल्डर में डाल देता हूँ। ओके, तो चले सेव फोल्डर में जाते हैं। अब यहाँ पर सेव फोल्डर को सिलेक्ट करके यहाँ से ओके, तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आप देखो। ठीक है, मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी फैक्ट ट्रिक नहीं दिखाने वाला। यहाँ पे आप फाइल साइज़ देख लेना, फाइल साइज़ बहुत मैटर करता है, कितना है 4.89 MB का। ठीक है, तो चलिए इसको हम जो है सेव फाइल में रखते हैं। ओके, यहाँ पर क्लिक करके मूव टू सेव फोल्डर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो फ़ोटो थी वो यहाँ से चली गई और हनुमान जी की फ़ोटो आ चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखो आपके सामने जो फ़ोटो थी वो सेव फोल्डर में चली गई। तो चलिए अब मैं उसको रिकवर करके आपको दिखाऊंगा। चलिए पहले जाते हैं सेव फोल्डर में। ओके, यहाँ पर जो है पिन डालते हैं, यहाँ पे हमारी फ़ोटो आ चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हो 489 MB की, तो यह फ़ोटो हमारी है। ठीक है, सिंपली इसको डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो परमानेंटली डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है, दिस इज़ परमानेंट एंड कैन नॉट बी अनडन, मतलब अगर यहाँ से डिलीट हुई तो चांसेस नहीं है रिकवर होने के। ठीक है, तो चलिए बाय मिस्टेक हमसे डिलीट हो गई। अब देखो सेव फोल्डर से चली गई। उसके बाद यहाँ पे इमेजेस में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी नहीं है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसको रिकवर कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि लाइक किए बिना आप लोग इस वीडियो को देखोगे और आपका डाटा रिकवर हो जाएगा तो आपका तो बेनिफिट होगा, लेकिन हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी ऐसी वीडियोज़ बनाने की। तो अभी पहले इस वीडियो को लाइक करो। ठीक है, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, बीच में कॉल आ गई थी उस वजह से मुझे वीडियो थोड़ा सा पॉज करना पड़ा। अब चलिए मैं आपको आगे दिखा देता हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ेगी, डिस्क डिगर प्रो। हालांकि आप यहाँ पर देख सकते हो इस एप्लीकेशन को मैंने ऑलरेडी दूसरी वीडियोज़ में भी यूज़ किया है, हालांकि ये प्रो वर्जन नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल वर्जन है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे जो है बेसिक स्कैन का ऑप्शन आ रहा है, इसके लिए आपको रूट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे फुल स्कैन का ऑप्शन आ रहा है, उसके लिए आपको रूट रिक्वायर है, मतलब आपका मोबाइल रूट होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से यह काम करता है। बेसिक स्कैन में सिर्फ उतना ही स्कैन होगा, जो ऊपर ऊपर से आपकी फाइल्स होंगी वही रिकवर होंगी। लेकिन अगर आप डीप स्कैन करना चाहते हो, आपको फ़ोटोज़ पुराने हैं या फिर वीडियोज़ बहुत पुराने हैं, तो आपको रूट करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका मोबाइल डीप स्कैन हो जाएगा। तो आप लोग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं डेमो के लिए सिर्फ यहाँ पे बेसिक स्कैन करने वाला हूँ, और अगर आप लोग वीडियोस रिकवर करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देखो बीटा का ऑप्शन है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए सिंपली सर्च फॉर लॉस्ट, तो सिंपली सर्च फॉर लॉस्ट फोटोज़। अब यहाँ पर जो है आप एक बार याद रखना, यहाँ पर आपके मोबाइल में जितनी भी फ़ोटोज़ होंगी वो सारी यहाँ पर आपको शो करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपका पूरा मोबाइल स्कैन होगा तो जितनी भी इमेजेस है वो यहाँ पर सारी शो करेगी। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगी, हालांकि मैं यहाँ पे ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरी पर्सनल फ़ोटोज़ भी आ रही है। ठीक है, जब भी मेरी वो जो मैंने आपको डेमो के लिए बुद्धा वाली फ़ोटो दिखाई थी वो जब मुझे मिल जाएगी तो वहाँ मैं आपको दिखा दूँगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हमारी फ़ोटोज़ आई है या नहीं आई है।
तो मैं प्रोसेस थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बच जाएगा और मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा स्कैन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारी फ़ोटोज़ रिकवर हुई या नहीं हुई। तो अभी तक तो मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि ये जो सारी फ़ोटोज़ है वो मेरी गैलरी की है। तो चलिए एक बार नीचे भी देख लेते हैं। तो एक बार जो है, अगर आपके इस टाइप से अगर नहीं होता तो सिंपली आपको ये सेटिंग वाला बटन है उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो आपको मिनिमम साइज़ जो है उसको 10,000 जो यहाँ पर लिखा है उसको सिर्फ 1,000 कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है। ठीक है, अब जैसे आप इसको ओके करोगे तो फिर से आपको जो है आपके फाइल्स को रीस्कैन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एग्जिट किया, उसके बाद यहाँ पे सिंपली सर्च फॉर लॉस्ट फोटोज़ पर क्लिक करना है। लेकिन इसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में प्रूफ के साथ बताऊंगा। मैं 2-3 बार इसको ट्राई करूंगा, जब तक मुझे रिजल्ट नहीं मिलता तब तक मैं इसको ट्राई करूंगा और उसके बाद जो है मैं आपको फाइनल रिजल्ट भी दिखाऊंगा। तो आप वीडियो पर बने रहना, आपको भी पता चल जाएगा ये वीडियो फेक नहीं है, इससे आपका डाटा रिकवर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी फ़ोटो आ चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 3-4 फोटोज़ दिख रही है, हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो हमारी 4 MB की फ़ोटो थी वो सिर्फ 487 KB की रह गई, यहाँ पे 186 KB की, 504 KB की, 719 KB की। अब यहाँ पे आपको सारे के सारे जो है फ़ोटोज़ दिख रहे हैं वो एक्चुअल फ़ोटोज़ नहीं होते। ठीक है, मैं आपको पहले क्लियर बता देता हूँ, ये जो फ़ोटोज़ होती है वो थंबनेल होती है। जब भी आपका कोई फ़ोटो वीडियो होता है उसका जो मेन थंबनेल होता है वो ये फ़ोटोज़ होती है। अगर आप लोग फुल स्कैन करते हो तो उसमें आपकी फ़ोटोज़ आएंगी। ठीक है, तो चलिए मैं इसको जो है एक बार रिकवर करके दिखा देता हूँ। जो हमारी फुल साइज़ की फ़ोटो होती है उसी को हमें रिकवर करना होता है। देखो ये 719 KB की है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो सिंपली उसको सिलेक्ट करना है। अब नीचे भी हम देख सकते हैं, अगर हमें इससे अच्छी क्वालिटी की मिल जाए तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जो है 719 KB की है, तो सिंपली इसको जो है मैंने सिलेक्ट किया। आप जितनी भी फाइल्स को रिकवर करना चाहते हो रिकवर कर सकते हो, सिंपली रिकवर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जहाँ पर भी आपको अपनी फाइल को सेव करना है कर सकते हो। तो मैं सिंपली जो है फाइल मैनेजर में सेव करता हूँ, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप कोई सा भी फोल्डर चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं ओपनली यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे जो है हमें अलाउ करना पड़ेगा, ओके। तो हमारी फाइल जो है वो रिकवर हो चुकी है। तो चलिए अब मैं आपको इसको बंद करके दिखा देता हूँ, रिकवर हुई थी, चलिए उसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ओके, कहाँ जाना, फाइल मैनेजर में हमने सेव किया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक फ़ोटो जो है हमारी यहाँ पे आ चुकी है। देखो यहाँ पे यह थोड़ी सी क्रॉप हो रही है। आप लोग बोलोगे भाई फ़ोटो तो हमारी फुल थी यहाँ पे हमने जब क्लिक करी थी, तो ये यहाँ पे क्रॉप क्यों आई? तो ये जो है थंबनेल होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ थंबनेल होता है, इसको आपको क्रॉप करके एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें तो शायद एडिट नहीं होगी, लेकिन आपको इसको एडिट करके फिर इसको रिसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप कोई भी फ़ोटो का थंबनेल रिकवर करते हो तो उसकी क्वालिटी ऑब्वियसली डिक्रीज़ हो ही जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको इसकी शायद आपको डिटेल मिले तो दिखा देता हूँ। ओके, इसमें देखो यहाँ पर आप क्लियरली टाइम भी देख सकते हो। ठीक है, जब मैंने इसको रिकवर किया यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडिफाइड 22 अगस्त 10:07 AM। अब यहाँ पे जो है इसको आपको एडिट करना पड़ेगा, अगर आपको हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ चाहिए तो आपको उसको रिकवर करना पड़ेगा। चलिए अब इसको जो है सेफ फोल्डर में डालते हैं, मूव टू सेफ फोल्डर। ओके, तो हो गई हमारी फ़ोटो जो है सेफ फोल्डर में स्टोर। चलिए फिर से जाते हैं सेफ फोल्डर में, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 720 KB की है, जो पहले 4 MB की थी, 4 से 5 MB की, उस फोटो का साइज़ जो है 720 KB की रह गई है। अब इसकी क्वालिटी तो ऑब्वियसली डिक्रीज़ होगी, क्योंकि ये थंबनेल होता है। अगर आप लोग को फुल HD फोटो चाहिए तो आपको फिर डीप स्कैन करना पड़ेगा या फिर फुल स्कैन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपना मोबाइल रूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप से रिकवर होगी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई यहाँ पर जब फ़ोटो क्लिक करी तब यहाँ पर तो कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं था, वो क्यों आ गया? तो उसके चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो इस साइड पे जो है थोड़ी सी टेक्सचर्स आपको दिख रही होंगी मेरे लैपटॉप की। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से फ़ोटोज़ क्लिक करके दिखा देता हूँ। मोबाइल हमारा वही एंगल पर है, तो यहाँ पर आप देखो वही टेक्सचर जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कोने में, वही जो है आपको
उस फोटो में भी दिख रहा होगा, आप देख लेना। देखो यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये वही टेक्सचर है जो आपको कैमरा में दिख रहा है। तो ये जो है एक्स्ट्रा साइड जो है वो थंबनेल की वजह से है, ठीक है। थंबनेल जब कैप्चर होता है तो आपका एक्स्ट्रा साइड कहीं पर भी आ सकता है, चाहे इस साइड आ सकता है, ऊपर नीचे कहीं पर भी आ सकता है। तो इस तरह से जो है आपके अच्छी खासी क्वालिटी है, ठीक है। अगर आपका डाटा डिलीट हुआ और आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इस क्वालिटी में भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो ये कोई फेक वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है फेक वीडियो है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप जो है डिसलाइक कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन लोगों के लिए हेल्प करेगा वो लोग कमेंट करके बता ही देंगे जिनके लिए काम कर रहा है। अगर आपके लिए काम नहीं करेगा इसका मतलब ये नहीं कि ये फेक वीडियो है। मैंने अपनी तरफ से जो हो सकता था वो ट्राई किया है। अब आगे की वीडियो में अगर आप लोग को वीडियोज़ रिकवर करनी है या फिर कोई और डॉक्यूमेंट रिकवर करना है तो उसके बारे में अगर आप लोग को जानना है तो कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।